गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल संगीता लाइव। और मैं हूँ संगीता। आज है थर्सडे और अभी बज रहा है 11। तो 11 बजे आज मैं मेरा ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। मेरा मतलब आज थर्सडे को ना मैं कलश रखती हूँ भगवान जी के पास। तो मतलब ऐसे कलश रखना मतलब एक होता है ना, बंगाली लोग में हर थर्सडे को जो विष्णु भगवान जी है ना, विष्णु भगवान जी के नाम में एक कलश और उसमें आम पत्ता और एक नारियल या जो छोटा छोटा डाब होता है ना, जिसमें शीश रहता है, शीश मतलब उसका जो ऊपर जो डंठल लगा रहता है ना, वो लगा हुआ और छोटा सा डाब ऐसे हर थर्सडे को कलश में रखा जाता है। बट मेरे को, मैं तो जमशेदपुर में रहती हूँ, कोलकाता में यहाँ सब लोग वहाँ पे सारे बंगालीज लोग रखते हैं। बोल के ना थर्सडे के दिन मतलब सुबह सुबह मॉर्निंग से ही पूरा दुकान वहाँ पे लग जाता है। ऐसे भी जैसे बंगाल में ना, जैसे हम लोग में इधर या कहीं पर भी सब्जी मार्केट, फिश मार्केट या नॉन वेज के मार्केट, हर मार्केट अलग अलग होता है। ऐसे बंगाल में हर मार्केट के साथ एक फूल का मार्केट भी होता है। मतलब कहीं पर भी आपको मार्केट अगर लगा हुआ है कहीं पर भी, तो वहाँ पे अगर बगल में एक साइड में आपका फूल का मार्केट भी मिलेगा, मतलब फूल के दुकान मिलेगा। एक नहीं, वहाँ पे कम से कम जितना बड़ा मार्केट है उतना बड़ा फूल का भी मार्केट होता है। और मैं तो बंगाली लोगों का ना घर में फूल बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। भगवान जी को बिना फूल का तो पूजा कभी कोई करते ही नहीं है। और फूल का मार्केट रहता है तो सब जाके फूल का मार्केट से फूल खरीद के लाते हैं। हम लोग भी लाते थे। तो फूल मार्केट में आपको केले का पेड़, छोटा छोटा जो पूजा पाठ में लगता है वो, नारियल और धूप और तुलसी पत्ता और बेलपत्ता सब मिल जाता है। इवन जो छोटे छोटे जो नारियल मैं बोल रही हूँ, थर्सडे के दिन हर दुकान में आपको, हर दुकान में मिलेगा। आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहाँ तो सब लोग यूज़ करते हैं ना। तो यहाँ पर लेकिन नहीं मिलता क्योंकि यहाँ पे मतलब झारखंड है, ये बंगालीज होते हैं लेकिन बंगालीज कम है। तो कहीं कहीं पर्टिकुलर एरिया होता है वहाँ पर मिलता है। जैसे मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे तो ये डाब वगैरह मिलता नहीं है। एक है बिष्टुपुर नाम है एक जगह का, वहाँ पे बंगालीज लोग आते हैं खरीदने के लिए, तो वो कभी कभार मिल जाता है। वो भी शायद सब कुछ आता है कोलकाता से, तो अभी तो थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट का मतलब प्रॉब्लम है, तो इस वजह से इतना अभी मिल नहीं रहा है। तो हम ना सब, और उसमें ना केला भी दिया जाता है इस थर्सडे के ये में। कभी मैं थर्सडे के दिन ना, मैं ये कैसे मैं ये कलश रखती हूँ और कैसे थर्सडे के दिन पूजा करती हूँ, ये मैं कभी पूरा डिटेल्स में एक दिन शेयर करूंगी। बहुत अच्छा लगता है, केला भी इसमें देना रहता है। बट मेरे पास ये सब नहीं मिलता है बोल के मैंने ना सारी चीजें आर्टिफिशियल रखा है। जैसे कलश तो पीतल का होता ही है और आम का पत्ता भी मैंने पीतल का खरीदा और एक शीश वाला जो नारियल होता है ना वो भी हमने खरीदा। और ये सब मैंने बंगाल से ही लेके आई हूँ क्योंकि इधर कोई करते नहीं है बोल के। यहाँ जो पूजा का दुकान होता है ना और जहाँ पे पूजा के बर्तन वगैरह मिलता है वहाँ पर भी नहीं मिलता है। लेकिन मैं गई थी तारापीठ, तारापीठ तो बंगाल में है ना, तो वहाँ पे मंदिर में मेरे को हर चीज मिल गया है, नारियल, कलश, आम पत्ता, ये सब पीतल का आर्टिफिशियली मैं रखी हूँ क्योंकि जो आम का पत्ता तक मेरे को रेयर में ही मिलता है। यहाँ पे कहीं पे दिखता है तो ले लेती हूँ लेकिन फिर डर लगता है कोई फिर डांटे ना, क्योंकि मिलता नहीं है तो हम छोड़ देते हैं, आर्टिफिशियल रखे, आर्टिफिशियल ऐसे ही करते हैं। तो आज तो सब थर्सडे को करना रहता है। मैं इसका ना प्रॉपर कैसे पूजा होता है मैं एक दिन शेयर करूंगी सबके साथ। बहुत अच्छा लगता है ये वाला कलश रखना, मुझे बहुत पसंद है। हालांकि मेरे ससुराल में नहीं होता है, मुझे करना नहीं चाहिए ऐसे बाय रूल्स नियम के अनुसार अगर देखा जाए तो, लेकिन मुझे ना ये चीज इतना पसंद है, मुझे इतना अच्छा लगता है। तो मैं सोचती हूँ ना ससुराल और मायके ये सब क्या है, जो चीज खुद को अच्छा लगता है, खुद को पसंद आता है, ऐसा लगता है जो मेरे को अच्छा लग रहा है मेरा, वो चीज रखना चाहिए। और मैं तो कुछ किसी का तो कुछ बिगड़ नहीं रहा है, मैं सिर्फ अपने मंदिर में अपना मन के हिसाब से पूजा करना चाहती हूँ, रखना चाहती हूँ, जिसमें मेरे को खुद को अच्छा लगे, तो इसलिए मैं करती हूँ। हालांकि मेरा ये चीज मेरे ससुराल में नहीं है, नहीं उन लोग में बिल्कुल भी नहीं है ये चीज, लेकिन फिर भी मैं करती हूँ। और मैं मेरा मायके में है बोल के करती हूँ ऐसा नहीं है, जो मुझे ना अच्छा लगता है बोल के करती हूँ। और मतलब इसमें मायके ससुराल वाला कुछ भी नहीं है। और मेरे ना हस्बैंड गए थे शिव मंदिर में जल ढालने, एक दिन गए थे, उनका कुछ ये था तो जल ढालने गए थे। तो वो जो तांबे का मेरा कलश था, जो लोटा था तांबे का लोटा, वो तांबे का लोटा ना वो भूल गए बेचारा, वहीं पे ही छोड़ दिए। वो जब पूजा करके आए ना तो ऑफिस चले गए आके, और फिर मुझे लगा जो जरूर हमको लगता है लोटा ये छोड़ के आए होंगे, क्योंकि मैं भी एक बार छोड़ के आई थी, मुझे भी याद है। तो मुझे लगा जरूर ये भी छोड़ के आए होंगे। मैं जब तुरंत मैं दौड़ के आई चेक करने के लिए, मैं जब चेक करने आई ना,
तब मैं देखी सच में ये लोटा छोड़ के ही आ गए। तो मैं इनको फिर फोन करके बोली ऑफिस में जी आप लोटा छोड़ के आ गए ऑफिस में, ए सॉरी मंदिर में। तो बोले हाँ। तो मैं मतलब बाद में मैं गई लेकिन वो लोटा नहीं मिला। मैं ना एक बार पूजा का जो थाली नहीं होता है जिसमें आरती करते हैं, वो थाली एक बार छोड़ के आ गई थी। मैं तुरंत फिर गई तो तुरंत देखी वो लोटा चोरी हो गया। मंदिर में भी चोरी हो जाता है, लोटा भी मेरा चोरी हो गया और थाली भी मेरा चोरी हो गया। आप ना मेरा फिर मेरा हस्बैंड ना दूसरा दिन दूसरा नहीं तीसरा दिन मेरे हस्बैंड एक कांसे का वो तांबे का जो था ना वो तांबा समझ नहीं पाए जो वो तांबे का था, तो अभी कांसे का लोटा लेके आए। हमने बोले नहीं तो अपने मन से लेके आए और ना उसके साथ एक गागरी भी खरीद के लेके आए। मैंने देखा ये अचानक मैं नीचे टहल रही थी, नीचे मैं 1 घंटा डेली वॉक करती हूँ, रात शाम के टाइम अभी करती हूँ, कभी पहले मॉर्निंग में करती थी लेकिन अभी अब शाम के टाइम करना शुरू कर दी हूँ। तो मैं वर्क कर रही थी, मैं देखी मेरे हस्बैंड आए ना, उनके हाथ में बहुत कुछ था। तो मैं घर आके देखी ना मेरे हस्बैंड एक गगरी लेके आए और एक गगरी ना मुझे बहुत पसंद था। हम लोग बंगाल में तो गगरी मिलता है लेकिन बहुत भारी भारी, बहुत मतलब बहुत भारी मिलता है, बहुत हैवी वेटेड वाला होता है। और ये जो गगरी मेरे हस्बैंड अभी लेके आए ना, मैं भी इसका ये दूंगी। कितना अच्छा आप देखिएगा, बहुत सुंदर लग रहा है ये देखने में। और ये गगरी जो है ना ये लाइट वेटेड है, एकदम लाइट वेट है, देखने में बहुत अच्छा भी लग रहा है। मुझे ना ये बहुत पसंद है, मेरा मन था ये गागरी मेरे घर में हो तो मुझे ना बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन मैं ऐसे सोचती थी और ये सोचती थी मैं जब कभी बंगाल जाऊंगी ना मेरे भाई लोगों के जब लेके आऊंगी तब मैं एक गागरी खरीद के लेके आऊंगी, क्योंकि गागरी बहुत भारी भी होता है, वहां से लाने में हमको दिक्कत हो जाएगा। लेकिन ये लेके आ गए ना वो भी हल्का लाइट वेट के ऊपर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ना इसको दिखाऊंगी अभी आपको कितना सुंदर है। आज थर्सडे था तो हम लोग ना कल उसको पूजा करते हैं ना हम, तो इसीलिए मैंने ना इसमें ऐसे थोड़ा सा सिंदूर विंदूर लगा के ऐसे हमने नॉर्मल पूजा कर लिए। तो उसके बाद मैं अब अपने यूज में रखूंगी। मैं इसमें सोच रही हूँ ना इसमें पानी भर के रखूंगी किचन में। किचन में जैसे बार 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 जो केंट वगैरह है उससे पानी लेने से तो अच्छा इसी में पानी भर के हम रख देंगे और इसी से लेके पानी लेके फिर हम खाना बनाएंगे। हम खाना ये RO वाटर से ही बनाते हैं क्योंकि पता नहीं पानी जमशेदपुर का पानी इतना अच्छा है नहीं, तो मैं पूरा खाना RO वाटर से ही बनाती हूँ। और अभी तो जो मिट्टी वाला जो मटका नहीं होता है, मिट्टी वाला उसको क्या बोलते हैं घड़ा, तो उसको आप यूज नहीं कर रहे, गर्मी में आप यूज करते थे। आप तो ठंडा पानी वगैरह पीते नहीं, हम फ्रिज का पानी भी नहीं पीते। अब मौसम थोड़ा सा मतलब ठंडा ठंडा शुरू हो गया है नवे, क्योंकि ये तो अक्टूबर है ना, तो आप घड़े को हम नीचे रख देंगे, मतलब मेरा ऊपर रखा हुआ था उसको नीचे रख के इस ये में हम पानी रखेंगे। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को अभी। अभी हम बना रहे थे केक, और केक का ना क्या कहते हैं हमने गैस में रख दिए हैं केक। और यही वाला रूम में जो मैं दूसरा वाला जहाँ मेरा भगवान जी वाला रूम है उसी वाला रूम में सब बनाई मैं। और केक बनाने में जानते हैं बहुत ज़्यादा वो नहीं लगता है, मतलब झंझट बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि केक तो आपको गैस में रख देना है। मैंने आज गैस में बना रही हूँ, ओवन में नहीं बना रही हूँ, लेकिन इसमें क्या है बस तैयारी करने में ही ज़्यादा टाइम लगता है, इसमें बहुत ज़्यादा तैयारी करना पड़ता है। तो मेरा ना कुछ दिन पहले मेरे को फीवर हुआ था ना, तो मेरा तबीयत उतना ज़्यादा ठीक नहीं रहता है। तो अभी पहले मैं ना एक दिन दो तीन तीन कुकिंग का कर लेती थी, कुकिंग का 3 आइटम एक दिन में बना लेती थी, तब मैं थकती नहीं थी। लेकिन आज मैंने एक बना के ना अभी बहुत ज़्यादा मैं थक गई हूँ ऐसा लग रहा है।
तो मैं केक रख दी हूँ और वो वाला बना रही हूँ, कंडेंस मिल्क वनीला केक, वनीला स्पॉन्ज केक। वनीला तो नहीं, कंडेंस मिल्क स्पॉन्ज केक बना रही हूँ, वनीला नहीं डाली हूँ मैं इस बार, जस्ट ऐसे नॉर्मल स्पॉन्ज केक बना रही हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, मैं रख दी हूँ कुकर में, कुकर वाला बना रही हूँ इस बार। ये देखिए कुकर में मैंने रख दिया है, बाद में खोलेंगे क्योंकि अभी अगर खोल के दिखाऊंगी ना तो इसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है, तो टेम्परेचर चेंज होने की वजह से केक अच्छे से फूलता नहीं है। देखिए चारों तरफ कैसे मेरा फैल गया है, और देखिए मैं यहाँ पे शुगर पिसी थी, ये सब है और चारों तरफ एकदम फैल जाता है, सब क्लीन करना पड़ेगा अभी मेरे को। मैंने आपको बोला था ना मैं मसूर दाल का सूप शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, तो मैं आज मसूर दाल सूप बनाऊंगी। अभी बज रहा है 5:30, तो थोड़ा टाइम बाद मतलब 7:30 के आसपास मेरे हस्बैंड ऑफिस से आ जाते हैं, तो अभी मैं सूप बना के रख दूंगी और जब वो आएंगे ना तो थोड़ा सा गर्म करके दे दूंगी, क्योंकि तुरंत तुरंत बनाना नहीं होता है। और ये मैं वीडियो करती हूँ ना तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैं पहले से बना के रख देती हूँ, जब आते हैं तो गर्म करके दे देती हूँ। तो आज मैं सोच रही हूँ मसूर दाल का सूप बनाऊंगी, तो मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट लिए हैं। ये है मसूर दाल, इसको 2 मुट्ठी हमने मसूर दाल लिए हैं, ज्यादा नहीं बनाऊंगी, बस 2 मुट्ठी लिए हैं। और हमने लिए हैं 1/2 टीस्पून, ये है आपका जीरा पाउडर, और ये है काली मिर्च पाउडर, ये भी 1/2 टीस्पून, और ये फ्लेवर के लिए एक तेज पत्ता हमने लिए हैं, और हमने एक मीडियम साइज का जो ऑनियन होता है ना उसको हमने थोड़ा बड़ा बड़ा करके ऐसे करके काट लिए हैं, और 4-5 कली वो ले लिए हैं लहसुन, एक हरी मिर्च लिए हैं, और एक टोमेटो को हमने ऐसे करके काट लिए हैं। अब मैं इसमें ना कुकर रख देती हूँ। अभी मैं जो शाम के टाइम घर में झाड़ू लगाती हूँ ना, मतलब शाम नहीं, मतलब शाम होने से पहले मैं झाड़ू लगा ली हूँ घर में, और क्योंकि मैं पूरा कपड़ा वपड़ा समेट रही थी ना, घर थोड़ा सा डस्ट डस्ट हो गया था, तो मैंने पूरा झाड़ू लगाया, और जो मेरा जो बैल्कनी में सारे जो प्लांट्स है, फ्लावर का प्लांट, सारे प्लांट्स में पानी दिए। और प्लांट्स में पानी देने के बाद मैं, अभी शाम हो रहा है तो मैं सोच रही हूँ ना सूप का मैं रख देती हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ये ठंडा जब होगा तब थोड़ा सा, उसके बाद मैं इसका पूरा प्रोसेस करूंगी। तो अभी मैं बना के रख दूंगी ना, तो अभी क्या है शाम हो जाएगा, तो अब बृहस्पति को जो बृहस्पतिवार होता है ना, उस दिन मैं लक्ष्मी चालीसा पढ़ती हूँ शाम के टाइम, तो वो सब पूजा करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, घर में धुआं वगैरह भी देती हूँ उसमें टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं पहले ये वाला कर लेती हूँ, उसके बाद मैं सांच वगैरह दिखा के, दिया वगैरह बत्ती करके, और फिर इसको मैं पूरा कंप्लीट करूंगी सूप को। उसके बाद फिर रात में जो डिनर के लिए आज एक सिंपल सा सब्जी बनाएंगे, और मैं देखती हूँ शेयर करूंगी, क्योंकि एक साथ बहुत सारा रेसिपी शेयर करते हैं ना तो ज्यादा हो जाता है, तो मैं देखती हूँ अगर वो हो सके तो शेयर करूंगी, नहीं तो फिर बाद में, अगर वो मैं वीडियो बना लेती हूँ, अगर बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है तो मैं बाद में कोई वीडियो में, दूसरा वीडियो में शेयर कर दूंगी। ये देखिए मेरा कुकर जो है ये बॉईल हो गया है, इसमें हम ऑयल डालेंगे, बहुत ज्यादा ऑयल नहीं डालेंगे, हाँ थोड़ा सा ही ऑयल डालेंगे। मैंने वो रिफाइंड ऑयल डाले हैं, इसमें प्याज डाल दिया हमने, फिर डाले हैं गार्लिक, गार्लिक डाल देंगे, फिर हरी मिर्च डालेंगे, टमाटर डालेंगे, फिर एक काली मिर्च पाउडर, और ये सब डाल देंगे। दाल भी हम इसी में डाल देंगे, अब गैस
तो इस टाइम नमक डाल सकते हैं, पर अभी मैं नमक डालूंगी नहीं, अभी मैं ऐसे ही रख दूंगी। अगर इसमें आप इसमें पानी डालना है चाहे तो आप इसमें वेजिटेबल स्टॉक भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो चिकन स्टॉक भी डाल सकते हैं, बट मेरे पास ना वेजिटेबल स्टॉक है ना चिकन स्टॉक है, तो मैं प्लेन वाटर डालूंगी इसमें। कोई स्टॉक डालेंगे ना इसमें, जैसे चिकन स्टॉक हुआ, वेजिटेबल सब कुछ भी स्टॉक डालेंगे तो ये बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाता है, अच्छा रहता है, पर मेरे पास अभी है ही नहीं तो मैं नहीं डाल रही हूँ, डालने से अच्छा है। मैं बाद में इसमें वो डालूंगी, नमक डालूंगी, इसको गैस में एक सीटी में लगा लूंगी। अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा पूजा वूजा करना है, मैं पूजा वूजा करके तब तक इसमें सीटी जब लग जाएगा उसके बाद मैं पूजा करूंगी, क्योंकि फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना उठ के आने में, उसके बाद फिर मैं मिलती हूँ। अब पूजा करके मैं आ गई हूँ, अब इसको मैं खोल के देखती हूँ, एक सीटी लगा लिए थे हमने, बाप रे ये क्या हो गया, ये देखिए बहुत अच्छे से बॉईल हो गया है। अब इसे हम एक मिक्सी में डाल के एक बार पीस लेंगे। तेज पत्ता का काम हो गया है, अब इसको हम हटा देते हैं। अब इसे हम एक बार चला लेते हैं मिक्सी में, ये बहुत गर्म है, मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा ठंडा कर लेती हूँ, नहीं तो फिर मिक्सी भी ब्लास्ट हो सकता है। मैं अभी मेरा जो केक बनाई हूँ वो खा रही हूँ, एकदम परफेक्ट बना है। देखिए मैंने अभी वीडियो बनाने के लिए मैंने इसका कटिंग किया था, आप देख सकते हैं कितना अच्छा से इसका जाली बना है, आप देख सकते हैं। ये देखिए इसका जो एयर पॉकेट्स है ना, एयर पॉकेट्स बहुत अच्छे से बना है, ये देखिए पूरे जैसे मार्केट में बनता है ना स्पॉन्ज केक, बिल्कुल ऐसे बना है, और इसका स्पॉन्जीनेस देखिए आप, देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए है ना, बहुत स्पॉन्ज है ये देखिए, और देखिए ऊपर वगैरह कहीं चिप चिप नहीं है, क्योंकि इसका जो ऑयल वगैरह मतलब मॉइस्चर वगैरह एकदम सब कुछ परफेक्ट है, बहुत अच्छा बना है, और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। एक्चुअली कंडेंस मिल्क वाला जो केक बनता है ना वो खाने में बाकी में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, आप देख सकते हैं कलर भी कितना अच्छा आया है। कुकर में बनाने से ना, कुकर में अगर केक बनाते हैं, ये देख रहे कुकर में अगर आप केक बनाते हैं ना, इसमें बेनिफिट्स क्या होता है कढ़ाई से, कढ़ाई में आपका कहीं पोल रह जाता है तो उसमें क्या है, आपका बाहर का टेम्परेचर उसमें अंदर जाता है, तो अंदर का टेम्परेचर बाहर का टेम्परेचर मिलके ना उसमें बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है कढ़ाई में, और केक का ऊपर अच्छे से पकता नहीं है ऐसा दिखता है, क्योंकि टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है। बट इसमें देखिए पूरा एकदम बराबर कलर का है, देखिए यहाँ पर भी कलर जैसा है, ऊपर भी एकदम सेम है, और कभी कभार ना ये सब पक जाता है लेकिन अंदर नहीं पकता है, इसमें क्या एकदम इवनली पकता है, क्योंकि कुकर में पूरा चारों तरफ ब्लॉक रहता है, जिस वजह से कुकर में अच्छा केक बनता है मेरे हिसाब से। तो मैंने तो बहुत रिसर्च करने के बाद ये सब केक वगैरह बना रही हूँ, मैंने ऐसे आलतू फालतू नहीं, और मेरा बैकग्राउंड ये था नहीं जो मैं कुकिंग करना, बट मुझे रिसर्च करना तो आता है ना, तो रिसर्च की वजह से मैं बहुत अच्छे से बना लेती हूँ और बहुत परफेक्ट बनाते हो। मेरे को लगता है जो मेरी मम्मी लोग या जितने एजेड लोग जितना अच्छा बनाते नहीं है उससे अच्छा मैं बना लेती हूँ, ऐसे खुद अपने मुंह से बोलना नहीं चाहिए बट
सच है। क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ और मैं पढ़ पढ़ के एक्सपेरिमेंट करने के बाद मैं कम से कम ये केक बनाने से पहले मैंने 2 बार खुद से बना चुकी हूँ। बना के मैंने देख ली हूँ, एक स्टैंडर्ड मेथड मैंने ये रख लिया, जो ऐसे ये इंग्रेडिएंट हम डालेंगे इतना इतना मेजरमेंट का, तब ये सही बनेगा। तब मैं ये आपके लिए मैं वीडियो बना के देती हूँ। अच्छा, इसका मैं वीडियो तभी एडिटिंग नहीं की हूँ, पहले मेरा ब्लॉग वाला जाएगा। इसका मैं वीडियो, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इसको देखना चाहते हैं, तो मेरा चैनल में आप जाके देख सकते हैं, कुक एंड क्लीन विद संगीता। लिंक मैं नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मैं बाद में इसको एडिटिंग करूंगी। आज मैं ये वाला वीडियो शायद मैं डाल दू, तो आप देख सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो देख सकते हैं, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको रख देती हूँ, मेरा हस्बैंड आएंगे, उनके लिए है, उनको बहुत पसंद पड़ता है केक आजकल। पहले तो नहीं इतना पसंद था, लेकिन आप केक खाने के लिए बोलते हैं वो। अब मैं बनाऊंगी ये सूप को, मैं फिनिश कर लेती हूँ। मैं सोच रही थी ना, एक रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, लेकिन शायद तो नहीं हो पाएगा। मैं इसमें डालूंगी घी, मैं घी डालना चाहती हूँ, इसलिए चाहती हूँ क्योंकि थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर आएगा। और घी होता है गुड फैट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे हस्बैंड के लिए है तो उनके लिए तो मैं घी खूब डालती हूँ, तो इसलिए मैं घी डाल लूँ। अगर आप अपने डाइट के लिए बना रहे हैं, कोई और चीज के लिए बना रहे हैं, तो आप घी स्किप कर सकते हैं। ऐसे इसको पानी में बॉईल करके आप बना सकते हैं। और मैंने जो इसमें जो इंग्रेडिएंट डाले हैं ना, सिर्फ टमाटर डाले हैं, प्याज डाले हैं और कुछ नहीं डाले हैं। आप इसको मतलब और अच्छा बनाने के लिए आप इसमें गाजर भी डाल सकते हैं, और कैप्सिकम भी अगर आपको अच्छा लगे तो आप डाल सकते हैं। अपने हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हैं। गाजर डालने से ठीक होता है और हेल्दी होता है, ये सब है। बस ये देखिए ना, ये डालने से जो ये घी घी छिड़क जाता है ना चारों तरफ, बस ये हमको नहीं अच्छा लगता है। अब मैंने इसमें नमक नहीं डाला था ना, अब इसमें नमक भी डालेंगे। अब इसमें चाहे तो हल्दी डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं भी डाल सकते हैं, आपका मर्जी। मैं इसको थोड़ा सा और बॉईल करूंगी, बॉईल तो है ही, लेकिन थोड़ा सा और बॉईल करके थोड़ा सा और गाढ़ा कर देते हैं। ऐसे भी बहुत ज्यादा टेस्टी भी है और बहुत ज्यादा हेल्दी है, टेस्टी से ज्यादा बहुत ज्यादा हेल्दी है। अगर आप लोग कोई डाइट करना चाहते हैं तो आप इस तरह से सूप बना के ले सकते हैं, तो इसमें आपका डाइट भी बहुत अच्छे से, वेट मतलब बहुत अच्छे से मेंटेन भी हो जाएगा और आपको प्रोटीन की कोई कमी नहीं होगा। तो एक बहुत अच्छा वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा ये है। और मेरा वीडियो आई थिंक बहुत लंबा हो गया होगा, तो मैं आज यहीं पर मेरा वीडियो एंड करती हूँ। फिर मिलती हूँ और एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।